पर्ची वाले बाबा का सच। टीवी 9 भारतवर्ष आज आपके सामने एक ऐसा मेगा शो लेकर आया है जो पर्ची वाले बाबाओं का सच आपके सामने रख रहा है। आज आपकी सोच पलटने वाला शो लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि बंद कमरे में ये बाबा क्या कहते हैं, और जब टीवी चैनल पर बैठते हैं, जब अपना दरबार सजाते हैं, तब क्या कहते हैं। कुटी वाले बाबा हमारे साथ हैं, वानेश्वर बाबा, ब्रह्मेश्वर बाबा, ये बागेश्वर बाबा के आसपास के जितने आसपास के कुछ बाबा हैं, उनका हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, हमने उनसे कैमरे पर बात की, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने, वो क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि जब हम इन्हीं बाबा के पास, जो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, कुट्टी बाबा, इनके पास गए बंद कमरे में, अभी 2 घंटे से जो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दरबार लगता है तभी हम वहां पर कुछ दिखा सकते हैं, कला या चमत्कार। वो कह रहे हैं कि ये कला है, सिद्धि नहीं है, सब इन्होंने कहा उस स्ट्रिंग में। फिर यहां कहते नहीं सिद्धि है, और सिद्धि को दरबार में साधा जाता है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि एक ब्रेक हो गया, एक बड़ा ब्रेक हो गया है, आइए जरा आपको एक बार फिर से वो वीडियोस दिखाते हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं कुट्टी वाले बाबा से, जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पूछा कि बागेश्वर बाबा जो करते हैं वो क्या है, या आप लोग जो पर्ची निकालते हैं वो क्या है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये बातें हम करते हैं, उनके अंदर भी वो कला होगा तभी तो। कला है कहे की कला नहीं जी, हम वो बात कर रहे हैं, पैसे अच्छे की कला नहीं, नहीं वो जो बता रहे हैं, हाँ वो में कला है। हाँ तो कला कैसे सीखा? ये वो दैवीय शक्ति का काम नहीं है। अच्छा, तो देखिए कुट्टी बाबा खुद कह रहे हैं कि ये दैवीय शक्ति का काम नहीं होता है। वो यहाँ पर बैठे हैं, साथ में हनुमान जी की प्रतिमा है, वो कह रहे हैं कि ये दैवीय शक्ति का काम नहीं होता है। जब इनसे पूछा कि वो कला है, सिद्धि है, क्या है, लेकिन इतना ही नहीं, कुट्टी बाबा तो उस समय भी फेल हो गए जब उनसे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि आप कुछ करके दिखाइए। बंद कमरे में उन्होंने एक चमत्कार करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे संवाददाता को कहा कि आओ, और उनसे कुछ छड़ी उठवाने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं तब क्या हुआ। जैसे अपनी पर्ची लगाता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा समस्या हमारी भी है, ठीक है ना, तो कुछ तो बताएंगे महाराज मेरे। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे जब मैं उस स्थिति में होता हूँ। अच्छा, वो क्या? यहाँ तो सिर्फ ये बताएंगे। अच्छा जी, इसका काम है सर, मतलब अभी अभी इसका काम ही नहीं, आप इसको खूब ले लो, लोग बगल अभी ये कुछ नहीं कर पाएगी। जब इसको अभिमंत्रित करेंगे, जो मतलब जो साधना अपनी है, तो ये तुम हिला नहीं पाओगे। अच्छा ले। अच्छा ऐसा भी, हाँ ऐसा भी है। अब वो अध्यात्म से चला जाता है। मतलब 10,000 राजा एक साथ लगे फिर भी उनका तन का अंदर नहीं लगा सकते। महाराज वो तो भगवान की बात होगी। नहीं तो यही भगवान की, मैं आपसे कह रहा हूँ भगवान की तो कृपा, वही कह रहा हूँ वही तो कृपा है। बस ये मतलब जैसे अभी ये उठ नहीं पाई है, अभी मैंने इसको अलो आप खड़ा कर जी अध्यात्म बोलता है। अरे ये खड़ा नहीं होगा, हो गया। अब इसको तुम कहीं भी ले जाओ, ये आपका खराब हो जाएगा, और चेपक ऐसा जाएगा कि जेसीबी से उठवा सकते नहीं लेगा। अरे पढ़ लिया हमने इस पे स्तंभ, मतलब स्तंभ रहेगा, कहीं भी आप कर सकते इसको। हाँ आगे पूछो। तुम्हारी समस्या कठिन है जी, हमें पता है। अच्छा ये चीज में मतलब ये बता, ये वायरस समझ लो। अच्छा वायरस। अच्छा आपका वायरलेस है ये? हमारा वायरलेस। अच्छा
तो कुट्टी बाबा, आपने देखा हमने क्या दिखाया और आप ही थे इसमें? ये आप ही हैं? ये आप ही चमत्कार करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है? मैंने वो उसमें स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये जैसे अभी बहन जी करेंगे, क्या कह रही थी? नहीं, कुट्टी बाबा एक सवाल क्या कह रही थी? कुट्टी बाबा, बहन जी के बारे में अभी उनसे बात करेंगे। एक सवाल, ये जो दिखा क्या ये नहीं प्रूव करता कि आप ढोंग कर रहे हैं? क्या ये नहीं बताता कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? और क्या ये नहीं बताता कि आप पर्चा लिखकर पर्चे वाले बाबा के नाम पर झूठे मोटे लोगों को फंसा रहे हैं? घर की बात है, मैं घर पे, वास्तव में मैं घर पे कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं सो में करता हूँ। मैं कहता हूँ धाम पे आइए, धाम पे मैं सब दिखाऊंगा आपको, दरबार में मैं आपको सब दिखाऊंगा जहाँ जो शक्तियां काम करती हैं। अब घर पर मैं साधारण रहता हूँ, मुझे, मैं गृहस्थ परिवार से हूँ, मुझे सब देखना है। मैं वहां क्या अभी होता है कभी धाम में जब आप ऐसे लग देते हो छड़ी और 100 लोग नहीं उठा पाए? हाँ, ये धाम पे होगा। क्या होगा? धाम पे होता। क्या होगा? ये छड़ी का काम। क्या होगा? ये जो भूत प्रेत वाले होते हैं, इनकी जो समस्या होती है ये स्पष्ट समझ में आ जाता है मुझे। मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने मन में विचार किया कि इनके गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि उठ जाएगा तो लड़का होगी, नहीं उठेगा तो लड़की होगी। तो आपको मालूम है ये कानूनन जुर्म है? सुनिए, आपको मालूम है किसी के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करना कानूनन जुर्म है? मैं कह रहा ना, ये कानून जुर्म है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। अब अभी आप कह रहे हैं मैं बता देता हूँ, तो मैं कह क्या रहा? पहले ये सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। ये मैं इससे बताने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन मैं कानून अपराध ये बताता नहीं। लेकिन जैसे किसी को प्रेत शक्ति है, कोई बीमार है, डॉक्टर ये इलाज उनको लग नहीं रहा है, उनको आराम नहीं होता है, अब वो पूछे महाराज जी हमें क्या है? अब तुम्हें बीमारी है कि तुम्हें भूत लगा है कि किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र करवाया है, कीलक का प्रयोग है, मारण का प्रयोग है, उच्चाटन का प्रयोग है, तंत्र में से तुम्हें क्या है? क्या एक बार आप मुझे मेरे हाथ में देना चाहेंगे? सुनो, क्या मैं ले सकता हूँ? लो, अभी ले लो, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अभी कुछ नहीं। ये इसका वजन कितना होगा? मुश्किल से 100 ग्राम, 250 ग्राम, इससे ज्यादा का वजन नहीं होगा। ये जो छड़ी है, कुट्टी महाराज कह रहे हैं कि अगर ये अभिमंत्रित कर देंगे तो उसको 100 लोग नहीं उठा पाएंगे। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? कोई मानता है? जोर से बोलिए। नहीं मानते आप लोग? कोई मानते हैं? नहीं, आप लोग कोई मानते हैं? चलिए, अभी आप लोग, नंद किशोर जी, आप मानते हैं? अभी एक मिनट, आप मानते हैं अगर कुट्टी महाराज इसको अभिमंत्रित कर दे तो 100 लोग नहीं उठा पाएंगे? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप? साधना की एक कड़ी है, जब तक उस कड़ी से आप नहीं गुजरेंगे, उस मार्ग को तय नहीं करेंगे, तब तक शक्ति आपको प्राप्त नहीं। आज जिसके पास शक्ति है वो स्वतः अस्पष्ट हो जाता है। आप कह रहे हैं जो शक्ति जिसके पास होती है वो प्रदर्शन नहीं करता इस तरीके? एकदम अपने आप अस्पष्ट हो जाता है।